बूलियन अलजेब्रा के सीरीज में अब तक हमने पोस्टुलेट्स पे डिस्कस किया था बूलियन अलजेब्रा के और थ्योरम वन को हमने प्रूव किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम टू पे, जिसे कि एनलमेंट लॉ भी कहा जाता है। सो ये जो है थ्योरम टू, जिसका कि दो पार्ट है, ये और ये, इन दोनों को हम कहते हैं एनलमेंट लॉ। एनलमेंट लॉ, तो चलिए देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो हम इसे समझने का कोशिश करेंगे और फिर हम इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पहला पार्ट है, ये कहता है एक्स, एक्स एक बाइनरी वेरिएबल है जिसपे कि या तो जीरो रहेगा या फिर वन रहेगा। एक्स और वन इज इक्वल टू वन। इसका दूसरा पार्ट है एक्स एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इस पहले पार्ट को आप देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि चूंकि ये दोनों और ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, तो और का ट्रूथ टेबल देखते हैं, और के ट्रूथ टेबल में ये या तो जीरो होगा एक्स या फिर वन होगा। तो दो कंडीशंस आपको यहां दिखेगा, एक कंडीशन और एक कंडीशन यहां पर दिखेगा। देखिए, एक्स का वैल्यू अगर जीरो होता है तो ये, एक्स का वैल्यू अगर वन होता है तो ये। दोनों केस में आप आउटपुट देखें, दोनों ही केस में आपको आउटपुट वन दिखेगा, एक्स और वाई इज इक्वल टू वन होगा। So, यहां से तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है। आगे इसका और भी इंट्यूटिव मीनिंग पता करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल तो इसे देख लेते हैं, एंड ऑपरेटर से जुड़ा हुआ, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और एक जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो जीरो है। एक्स का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। तो दो कंडीशंस, एक तो आपको यहां दिखेगा, दूसरा आपको यहां पर दिखेगा। इस केस में x जीरो है, इस केस में x वन है, और दोनों ही केस में देखें जो ये सेकंड वैल्यू है ये जीरो है। तो दोनों में ही आप आउटपुट को देखें तो आपको मिलेगा ये जीरो है। तो ऐसे हम ट्रूथ टेबल से ये समझ सकते हैं कि कैसे ये और ये होल्ड कर रहा है। अब थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। अगर मैं इसे एक कंडीशन के तौर पर देखता हूं, एक्स, चलिए मान लेते हैं कि x एक ऐसा कंडीशन है जिसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। जीरो मतलब ना, नो, फॉल्स, और वन का मतलब है ट्रू, दैट मीन वन या फिर सही। तो मैंने कहा कि ये है, मान ले कि बारिश का होना, सो बारिश का होना, और ये जो है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसका कि आंसर हमेशा यस होगा। देखिए, ये कॉन्स्टेंट वन है तो हमेशा यस होगा इसका आंसर। तो ऐसा कंडीशन, चलिए इमेजिन करते हैं कि सूरज पूरब से उगे, सन राइजेज, हमेशा सही होगा ये, फ्रॉम ईस्ट। आपने एक कंडीशन रखा किसी के सामने कि अगर कल बारिश होती है, या फिर ये देखे और है इंग्लिश वाला, और या फिर सूरज पूरब से उगे, तो मैं कुछ काम है जो करूंगा, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल खेलूंगा। तो सामने वाला आपसे यही कहेगा कि भाई सीधा सीधी बोलो, तुम्हें फुटबॉल खेलना ही है, कुछ भी हो जाए फुटबॉल खेलना ही है, क्योंकि ओवरऑल ये तो होने वाला है ही। आप कह रहे हैं अगर बारिश हो या फिर सूरज पूरब से उगे, सूरज तो पूरब से उगेगा ही। दैट मीन आप जो कंडीशन रख रहे हैं उसका आंसर हमेशा यस होगा। सो ये जो कंडीशन है ये हमेशा आपको ट्रू देने वाला है, दैट मीन ये वन होगा इसका आंसर। या फिर कहें आप सीधा सीधी ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे फुटबॉल खेलना है, दैट मीन यस मैं फुटबॉल खेलूंगा, नो कंडीशन अप्लाइड, सो आंसर इज वन। इसे अगर उस तरह से देखा जाए, उसी तरह से मैं इसे कहता हूं ये कंडीशन है जो कि बारिश का होना है, और ये जीरो जो कि हमेशा फॉल्स होगा, तो सूरज पश्चिम से उगे मान ले, जो कि कभी पूरा नहीं होगा। आपने कंडीशन रखा कि कल अगर बारिश होती है एंड, और साथ ही साथ कल अगर सूरज पश्चिम से उगे तो मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि आपको फुटबॉल खेलना नहीं है, क्योंकि सूरज जो है ये पश्चिम से उगने वाला नहीं है, और ऑपरेटर जो है एंड है, एंड का मतलब दोनों को सेटिस्फाई होना होगा, दोनों कंडीशन को, दोनों तो एक साथ सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा वाला जो है ये हमेशा जीरो है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट जीरो होगा। तो चलिए अब इन्हें प्रूव करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को देखते हैं, इसका इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये कह रहा है x और 1, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है 1 एंड x और 1। आप किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी वेरिएबल के साथ एंड ऑपरेटर लगा के
वन लगा सकते हैं। हमने इस पॉस्टुलेट पे बात किया है, ये है पॉस्टुलेट 1b। देखे ये एक बूलियन वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल है, इसके साथ एंड लगा हुआ है और वन ऑपरेटेड हो रहा है। हमेशा इसका जो आउटपुट होगा एक्स जो है वही होगा इसका आउटपुट। दैट मीन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बदलने वाला नहीं है अगर आप वन को एंड के साथ जोड़ देते हैं इस वैल्यू के साथ, एक्स का जो भी वैल्यू है। सो हम वन यहां पर एंड के साथ लगा सकते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ, एक्सप्रेशन का जो आउटकम है वो नहीं बदलेगा। सो ये हमने पॉस्टुलेट 1b से लिया। सो पॉस्टुलेट 1b से हमें ये मिला। आगे बढ़ते हैं, अब इसी वन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये वन कहां से करेंगे, हम यहां से करेंगे पॉस्टुलेट 2a से। सो वन के जगह हम लिखेंगे एक्स और एक्स नॉट। सो वन के जगह हम लिखेंगे एक्स और एक्स नॉट, बाकी लिखते हैं एंड एक्स और वन। ये हमने लिया 2a से, पॉस्टुलेट 2a से। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये देखे इस एक्सप्रेशन के साथ मिलता जुलता है। तो यहां से अगर हम पॉस्टुलेट 4 का पार्ट बी को यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं चूंकि ये इसके बराबर है, एक बार कंपेयर कर लेते हैं, यहां पर एक्स है ये एक्स है, यहां भी एक्स है एक्स है, और यहां पर एक्स नॉट जिसे कि हम वाई की तरह ट्रीट करेंगे, और यहां पर वन जिसे कि हम जेड की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमें फाइनली जो मिलने वाला है ये होगा, यहां से देखिए एक्स और y एंड z, y तो हमने इसे माना था, z इसे माना था, सो y एंड z, सो दैट इज एक्स नॉट एंड 1। और ये हमने कहां से लिया, ये हमें मिला 4, पॉस्टुलेट 4b से। अब आगे देखे इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स नॉट एंड 1। सो आप सीधे पॉस्टुलेट 1b को देखें, कोई भी वैल्यू हो उसके साथ अगर एंड 1 हम करते हैं तो वो वैल्यू नहीं बदलता है। सो यहां से हम आगे ये कह सकते हैं कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा x, और इसके जगह हम x नॉट लिख सकते हैं, ये x नॉट। सो x नॉट हमें ये कहां से मिला, 1b से मिला, पॉस्टुलेट 1b। पॉस्टुलेट 1b से हम ऐसा कह सकते हैं। और आगे देखें ये जो है ये आपको मिलेगा पॉस्टुलेट 2a में, तो ये 1 के बराबर होगा। हमने फिर से यूज किया 2a, पॉस्टुलेट 2a। सो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 के बराबर है। आप सिमिलरली जहां हमने 1b यूज किया है 1a यूज करें, 2a के जगह 2b यूज करें, 4b के जगह 4a यूज करें, और इस तरह से आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। पर चलिए एक बार प्रूफ कर ही लेते हैं, हमें यहां से यहां तक पहुंचना है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, x एंड 0। चूंकि पिछली बार हमने इसे यूज किया था, इस बार हम सबसे पहले 1a, पॉस्टुलेट 1a को यूज करेंगे। पॉस्टुलेट 1a देखे ये है x और 0 इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन के साथ और लगा के 0 लगा दे तो उसका आउटकम नहीं बदलता है, वो सेम आउटकम रह जाता है। मतलब हम किसी भी एक्सप्रेशन के साथ और 0 कर सकते हैं, दैट मीन हम इसके साथ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम और 0 लगा देते हैं तो x एंड 0 इसके साथ हम और 0 लगा देंगे, तो ये हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसके बराबर होगा। अब चूंकि पिछले बार हमने 2a को यूज किया था, अब हम 2b को यूज करेंगे। तो 2b क्या कह रहा है देखिए ये, सो पॉस्टुलेट 2b से हम कह सकते हैं 0 के जगह x एंड x नॉट हम लगा सकते हैं। सो यहां से ये जो जैसा था वैसा ही है, और ये 0 के जगह हम x एंड x नॉट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर यूज किया था 1a, पॉस्टुलेट 1a, फिर हमने यहां पर यूज किया पॉस्टुलेट 2b, और फिर आगे देखें यहां पर 4b हमने यूज किया था, इस बार हम यूज करेंगे 4a। 4a देख लेते हैं, पॉस्टुलेट 4a जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये है। आप सीधे देखें इस एक्सप्रेशन को, ये इसके साथ मिलता जुलता है। तो आप यहां अगर कंपेयर करें तो एक्स है एक्स है, यहां भी एक्स है एक्स है, जीरो के जगह वाई है, एक्स नॉट
के जगह जेड है, मतलब कि वाई के जगह आप जीरो मान ले और जेड के जगह एक्स नॉट मान ले, तो चूंकि ये इसके बराबर होगा तो हम सीधे अगर इसे लिखते हैं यहां पर, सो दैट इज इक्वल टू एक्स एंड वाई और जेड, तो वाई के जगह हमने जीरो माना था तो जीरो, और जेड जेड के जगह एक्स नॉट, ये हमने 4a से लिया पॉस्टुलेट 4a। अब पिछली बार हमने 1b को यहां पर यूज किया था, इस बार हमें 1a को यूज करना है, तो 1a देखे क्या बता रहा है कि x और 0 इज इक्वल टू x, दैट मीन x नॉट और 0 इज इक्वल टू x नॉट, तो यहां से हम कह सकते हैं ये बराबर होगा x एंड इसके जगह x नॉट, सो x नॉट ये हमने 1a से लिया, सो 1a पॉस्टुलेट 1a। फिर हमने एट लास्ट यूज किया था 2a को, इस बार हम 2b को देखेंगे, तो 2b देखे क्या है, 2b में है x एंड x नॉट इज इक्वल टू जीरो, देखे x एंड x नॉट, सो ये जीरो के बराबर होगा, कोई भी वैल्यू उसके साथ अगर एंड लगा के उसका कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, दैट मीन एंड ऑपरेटर से एक वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट आप ऑपरेट करते हैं तो आपको हमेशा जीरो मिलने वाला है, सो दैट इज इक्वल टू जीरो, ये हमने कहा पॉस्टुलेट टू बी से, और ऐसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि x एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आगे के वीडियोस में हम आगे के थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।